हेलो एवरीवन, एसएमएस ऑनलाइन क्लासों में आप लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। साइंस कक्षा में हम परमाणु संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने रदरफोर्ड्स के परमाणु मॉडल तथा उसकी कमियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम उन कमियों को पूरा करने वाले नील्स बोर के परमाणु मॉडल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। रदरफोर्ड्स के परमाणु मॉडल की जो कमियां थी उनको मैं एक बार वापस बता रहा हूं। उनकी व्याख्या नील्स बोर ने अपने परमाणु मॉडल से किस प्रकार की, उसकी चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले रदरफोर्ड्स के परमाणु मॉडल की कमी कौन कौन सी थी वो यहाँ पर बता रहा हूँ। रदरफोर्ड्स के परमाणु मॉडल की कमी, ये तीन कमियां थी वो कौन सी थी? नंबर एक, परमाणु के स्थायित्व की मैक्सवेल थ्योरी की व्याख्या नहीं कर पाए ठीक है, यानी स्थायित्व को मैक्सवेल थ्योरी के अनुसार नहीं समझा पाए। नंबर दो, इलेक्ट्रॉन स्थिति का प्रदर्शन सही नहीं, और नंबर तीन, बनने वाले स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए। कौन? रदरफोर्ड्स का मॉडल इन तीन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाया। इन प्रश्नों के उत्तर नील्स बोर के द्वारा दिए गए। तो यहाँ पर हम नील्स बोर के परमाणु मॉडल के बारे में बात करेंगे। नील्स बोर का परमाणु मॉडल किस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर देता है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर नील्स बोर के परमाणु मॉडल की विशेषता, नील्स बोर के परमाणु मॉडल की विशेषता, नील्स बोर के परमाणु मॉडल की विशेषता बताने से पहले कुछ बातें यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। नील्स बोर का परमाणु मॉडल बोर के परमाणु मॉडल का आधार परमाणु मॉडल का आधार रदरफोर्ड्स परमाणु मॉडल ही था ठीक है। नील्स बोर के परमाणु मॉडल का आधार क्या था? रदरफोर्ड्स का परमाणु मॉडल ही था। आधार तो वही था, लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग की थी नील्स बोर ने। वो किस प्रकार से की थी वो बताएंगे परमाणु मॉडल की विशेषताओं में।
दूसरा क्वांटम थ्योरी के द्वारा, क्वांटम थ्योरी के द्वारा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों की पूर्ति, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों की पूर्ति, क्वांटम थ्योरी क्या होती है वो भी बता देता हूँ। क्वांटम थ्योरी, इसमें कहा गया है कि ऊर्जा छोटे छोटे पैकेट्स में स्थानांतरित होती है। ये बड़ी कक्षाओं में जब आप भौतिक विज्ञान में पढ़ेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे, क्वांटम थ्योरी के बारे में। तीसरी बात है हाइड्रोजन परमाणु द्वारा अपने मॉडल की व्याख्या, यानी प्रयोगशाला में उन्होंने अपने मॉडल को प्रदर्शित करते हुए हाइड्रोजन परमाणु जो है उसके रासायनिक गुणों की, उसके भौतिक गुणों की व्याख्या की, ठीक है ना। ये चीज़ें लेकर उन्होंने अपना जो परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया उसकी विशेषताएं कौन कौन सी थी वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। ये तो उसकी स्टार्टिंग की आधारीय स्थिति है, यानी उसने वही रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को ही लिया उन्होंने। दूसरा, उन्होंने क्वांटम थ्योरी का उपयोग किया, किसकी, रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों की पूर्ति के लिए, ठीक है। तीसरा, उन्होंने हाइड्रोजन परमाणु की व्याख्या कर दी, किसके द्वारा, अपने मॉडल के द्वारा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब नील्स बोर के परमाणु मॉडल की क्या क्या विशेषता थी वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। नील्स बोर का परमाणु मॉडल जो विशेषता लिए हुए था, जैसे कि अभी मैंने कहा आधारीय मॉडल तो कौन सा था, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ही था। अतः पहली विशेषता तो यही थी कि परमाणु दो भागों से मिलकर बनता है, भागों से मिलकर बनता है, जिसमें आपको पता है नंबर एक क्या होता है, नाभिक होता है, ठीक है, नाभिक होता है जो कि ठोस, प्रोटॉन तथा धनावेशित होता है, ठीक है। नाभिक जो ठोस होता है, प्रोटॉन युक्त होता है और धनावेशित होता है और मध्य में उपस्थित होता है। परमाणु के दो भाग होते हैं जिनमें पहला क्या है, नाभिक जो मध्य में होता है, ठोस होता है, प्रोटॉन युक्त होता है और धनावेशित होता है। यहाँ पे ध्यान रखना है प्रोटॉन ही क्यों आया, न्यूट्रॉन क्यों नहीं आया, क्योंकि उस समय तक न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। दूसरा, नील्स बोर ने प्रयोगशाला में किसका उपयोग किया था, हाइड्रोजन परमाणु का उपयोग किया था, और आपको पता है कि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन अनुपस्थित होता है, न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रोटॉन ही उपस्थित था इसलिए प्रोटॉन को यहाँ पे बताया गया है। दूसरा भाग क्या था, दूसरा भाग था वर्ताकार पथ जिनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। वर्ताकार पथ जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, ये वर्ताकार पथ विभिन्न ऊर्जा स्तर वाले होते हैं।
ये वर्ताकार पद क्या होते हैं? विभिन्न ऊर्जा स्तर वाले होते हैं जिनमें ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ऊर्जा स्तर वाले होते हैं जिनमें ही क्या होते हैं? जिनमें ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इन वर्ताकार पथों को क्या क्या नाम दिया गया है? इन वर्ताकार पथों का नामांकन उन्होंने किया, कोस इनको कह सकते हैं, कक्षा इनको कह सकते हैं, या ऊर्जा स्तर भी इनको कह सकते हैं। ठीक है, नाभिक के जो नज़दीक कक्षा थी उसे उन्होंने के कक्षा का नामांकन किया। नामांकन किससे किया? के कक्षा से। ठीक है, इससे आगे की कक्षा को एल से नामांकित किया। ठीक है, और फिर आगे एम, फिर एन, फिर ओ, फिर पी, इस तरह से आगे बढ़ते हुए उन्होंने इन कक्षाओं का नामांकन अंग्रेजी के अक्षरों से के एल एम एन ओ पी से किया। ठीक है, दूसरा जो इनका क्रमांक भी दिया, क्रमांक जो कि पूर्णतः पूर्णांक था, इनका क्रमांक क्या था? पूर्णतः पूर्णांक। इनका क्रमांक पूर्णतः क्या था? पूर्णांक था, जिसे स्मॉल एन से प्रदर्शित किया जाता है। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? स्मॉल एन से। और ये पूर्णांक कौन से हो सकते हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, डैश डैश, यानी के कक्षा है उसका क्रमांक क्या है? एक है। एल कक्षा है उसका क्रमांक क्या है? दो है। एम कक्षा है उसका क्रमांक क्या है? तीन। एन है उसका चार, ओ का पाँच और पी का छः। यानी नाभिक से शुरू होते हुए पहली कक्षा कौन सी है? के कक्षा। दूसरी कक्षा कौन सी है? एल कक्षा। तीसरी कक्षा कौन सी है? एम कक्षा। चौथी कक्षा कौन सी है? एन कक्षा। यानी वही सौर मंडलीय मॉडल जिसमें बताया गया है कि गोलाकार भाग और बीच में प्रोटॉन जो नाभिक, और इसके इस वर्ताकार पथ को क्या नाम दे दिया गया? के कक्षा। ठीक है, क्रमांक कौन सा हो गया? एक। दूसरा जो है ये, ठीक है, ये कौन सी कक्षा हो गई? एल कक्षा। क्रमांक क्या हो गया इसका? दो। समझ गए। और फिर ये बाहर वाली, इसका क्या हो गया? एम कक्षा, और क्रमांक क्या हो गया? तीन। इस प्रकार से मॉडल बताया, ठीक है ना। और इनमें इलेक्ट्रॉन लगातार गति करते रहते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन लगातार गति करते रहते हैं। अब रदरफोर्ड का जो प्रश्न था वो पहला प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न ये था कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति, तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति उन्होंने कहा कि जिन कक्षाओं का इलेक्ट्रॉन का, जिन कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, जिन कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, ये मैं हटा देता हूँ, इधर लिख रहा हूँ, जिन कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग यानी एम वी आर, जिन कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन का, तीसरी इसकी वो है विशेषता, जिन कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग यानी कि एम वी आर एच बटे टू पाई या एच बटे टू पाई या इसका गुणज है, गुणज है, उसी में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, तीसरी विशेषता क्या थी? जिन कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग एम वी आर एच बटे टू पाई या इसका गुणज होता है, गुणज मतलब दुगुना, तिगुना, चौगुना, पाँच गुना, छः गुना,
उसी ही में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, यहाँ पर m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। v क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग। v क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग। r क्या है, कक्षा की त्रिज्या। ठीक है, और h क्या है, ये प्लांक स्थिरांक है। h क्या है, प्लांक स्थिरांक, जो कि प्रयोगों के द्वारा प्राप्त किया गया था। ठीक है, ये चीजें एम वी आर या तो एस बटे टू पाई हो या इसका गुणज, गुणज का मतलब यहाँ पर जैसे कि एम वी आर बराबर वन एच बटे टू पाई तो है, या टू एच बटे फोर पाई, या थ्री एच बटे सिक्स पाई। ठीक है, इस प्रकार से एस डेस एन एच बटे टू पाई, इस प्रकार से ये होना चाहिए। समझ गए, उन्हीं में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उपस्थित होंगे। चौथी विशेषता, इलेक्ट्रॉन जब तक लगातार कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं तब न तो वो ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं न ही ऊर्जा वो अवशोषित करते हैं। ठीक है, उनमें लगातार ये क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, इसलिए परमाणु के स्थायित्व की बात भी यहाँ पर कंप्लीट होती है, उसका उत्तर भी यहाँ पर मिल रहा है। इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाते समय, इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाते समय, चक्कर लगाते समय न तो ऊर्जा अवशोषित करते हैं और न ही ऊर्जा उत्सर्जन करते हैं। न तो वो ऊर्जा का अवशोषण करते हैं और न ही ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं जब वो किसी कक्षा में लगातार चक्कर लगा रहे हैं, एक ही कक्षा में। ठीक है ना, यह निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में, उच्च कक्षा में जाने पर ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाने पर ऊर्जा का अवशोषण करते हैं तथा उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आने पर ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। इसी कारण से
इसी कारण से रेखीय स्पेक्ट्रम बनता है, रेखीय स्पेक्ट्रम बनता है। ठीक है, ये नील्स बोर के परमाणु मॉडल की विशेषता, इसको मैं वापस समझा रहा हूँ। ये अगर जैसे मान लो ये अपने पास में कौन सी के कक्षा है, यहाँ पे देख पा रहे हैं ये कौन सी कक्षा है, नाभिक के पास में वाली कौन सी कक्षा है, के कक्षा, इससे आगे वाली एल कक्षा, इससे आगे वाली एम कक्षा, और इनके क्रमांक क्या है, 1 2 3। तो यहाँ पर ये कक्षा है, इसमें अगर इसका कोणीय संवेग mvr है तो इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, इसका अगर कोणीय संवेग mvr है जो कि h बटे 2 पाई के बराबर है तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। mvr जो कोणीय संवेग है वो h बटे 2 पाई के अगर बराबर है या उसका गुणज है तो उसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, अन्यथा उसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर ध्यान रखना है इसमें लगातार अगर कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो वो न तो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा न ही अवशोषित करेगा। ये ऊर्जा का उत्सर्जन तथा अवशोषण कब करेगा, जब ये है अगर निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जा रहा है तो ये क्या करेगा, ऊर्जा का अवशोषण करेगा, ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण करेगा। ठीक है ना, और अगर ये उच्च कक्षा से वापस निम्न कक्षा में आ रहा है यानी एल से वापस के में आ रहा है तो ये ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। ठीक है ना, और अगर के से एल में जा रहा है तो ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण करेगा। इसी के कारण से रेखीय स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं नील्स बोर ने अपने परमाणु मॉडल में क्वांटम थ्योरी का उपयोग करते हुए रदरफोर्ड की जो कमियाँ हैं उनको पूरा किया। पहली, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या उन्होंने की, दूसरी उसमें बनने वाले स्पेक्ट्रम की व्याख्या उन्होंने की। ठीक है ना, ये चीज़ उन्होंने कही, और इलेक्ट्रॉन की स्थिति की भी जानकारी उन्होंने दी, यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा, mvr अगर h बटे 2 पाई या इसका गुणज है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। परमाणु स्थायी क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब एक कक्षा में चक्कर लगा रहा होता है तो वह न तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है ना ही वो ऊर्जा का अवशोषण करता है। स्पेक्ट्रम निर्माण कब होता है, किस कारण से होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में या निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में आता है तब स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है, और वो कैसा होता है, रेखीय स्पेक्ट्रम का होता है। तो इस प्रकार से नील्स बोर ने अपने परमाणु मॉडल के द्वारा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों की पूर्ति की, और हाइड्रोजन परमाणु की उन्होंने अपने इस मॉडल के द्वारा व्याख्या भी की, यानी प्रयोग के द्वारा भी उसका प्रदर्शन किया। लेकिन नील्स बोर के परमाणु मॉडल की भी कमियां थी, वो कमियां कौन सी थी वो यहाँ पे बात कर लेते हैं। नील्स बोर के परमाणु मॉडल की कमी, नील्स बोर के परमाणु मॉडल में भी कुछ कमियां रह गई। पहली कमी क्या थी, कमियां, पहली कमी, फर्स्ट कमी यह है, हाइड्रोजन परमाणु से ज्यादा वाले इलेक्ट्रॉनों की व्याख्या नहीं कर पाया। यानी हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, अधिकतम 2। ठीक है, अधिकतम कितने होते हैं, 2, या न्यूनतम क्या होता है, 1। तो अधिक, एक से अधिक, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की व्याख्या, परमाणुओं की व्याख्या नहीं कर पाया, परमाणुओं की व्याख्या नहीं कर पाया। ठीक है, यानी सिर्फ हाइड्रोजन परमाणु के गुणों की ही जानकारी नील्स बोर के परमाणु मॉडल से प्राप्त होती है। उससे आगे जो हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, इनकी व्याख्या वो नहीं कर पाए इस मॉडल के द्वारा, ये इनकी पहली कमी थी। ठीक है ना, दूसरी,
दूसरी, उच्च तकनीक के द्वारा जब देखा गया, उच्च तकनीक के द्वारा रेखीय स्पेक्ट्रम का जब विभेदन किया गया, स्पेक्ट्रम का, रेखीय स्पेक्ट्रम का विभेदन विभेदन किया गया तो विभेदन किया गया तो इसमें एक से अधिक, लाइनें दिखाई दी। इसकी भी वो व्याख्या नहीं कर पाए। उन्होंने तो क्या कहा, रेखीय स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, लेकिन जब उच्च तकनीक के उपयोग के द्वारा रेखीय स्पेक्ट्रम का विभेदन किया गया तो वो एक से अधिक लाइनों वाला था, ये भी नील्स बोर नहीं बता पाए। तीसरी इनकी कमी, परमाणु किस प्रकार, परमाणु किस प्रकार संयोजन करके, किस प्रकार संयोजन करके अणु बनाते हैं उसकी भी व्याख्या नहीं कर पाए, उसकी भी व्याख्या नहीं कर पाए। ये तीन कमियां नील्स बोर के परमाणु मॉडल में भी है। पहली कमी, वह हाइड्रोजन के अलावा अन्य किसी तत्व के परमाणु की व्याख्या नहीं कर पाए, यानी उनका जो मॉडल था वो हाइड्रोजन परमाणु की व्याख्या तो कर रहा था, उसके रासायनिक गुण व भौतिक गुणों के बारे में जानकारी दे रहा था कि क्यों होता है ऐसा उसमें, लेकिन हाइड्रोजन से ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन रखते हैं, जिसमें हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, जितने भी अन्य तत्व हैं, उनकी परमाणु की व्याख्या नहीं की गई या नहीं की जा सकी। किसके द्वारा? नील्स बोर के परमाणु मॉडल के द्वारा। दूसरा, उच्च तकनीक से जब देखा तो वो रेखीय स्पेक्ट्रम, एक से अधिक लाइनें उसमें उपस्थित थी, तो वो किस कारण से थी वो भी नहीं बता पाए। तीसरा, परमाणु किस प्रकार से आपस में जुड़कर अणु का निर्माण कर लेते हैं, यानी परमाणु जुड़कर आपस में किस प्रकार से अणु बनाते हैं, उसकी भी वो व्याख्या नहीं कर पाए। ये तीन कमियां नील्स बोर के परमाणु मॉडल में उपस्थित थी। उच्च कक्षाओं में इनके बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि जल्दी ही हम 21 सितंबर को कक्षाओं में मिलेंगे, ऑफलाइन स्तर पर हम पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार से आप वीडियो रोककर आराम से नोट्स बना लीजिएगा। किसी प्रकार की अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। किसी प्रकार का कोई प्रश्न है, किसी प्रकार की अगर कोई जिज्ञासा है मन में विज्ञान से संबंधित, तो वो भी ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अंगूठे के निशान को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।